काफी अच्छा लग रहा है कि अंतिम क्षणों में एक भारत को एक और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और काफी खुशी हो रही है। अगर कोच 46 का सोच के आए थे और मैं 47 हिट कर रहा हूँ, तो अगर कोच 48 का सोच के आएंगे तो मैं कितना हिट करूँगा। तो वो चीज़ सोच के काफी अच्छा लग रहा है। उनसे इंस्पायर हुआ था पर उन जैसा तो नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो काफी हमेशा आदरणीय और सीनियर रहेंगे। जब मैंने उनको देख के शुरू किया था तो तब वो कहाँ थे और तब मैं कहाँ था, वो मेरे लिए हमेशा ऊपर ही रहेंगे। मैं उनको कभी अपने आप से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल में नाटकीय प्रदर्शन के बीच ईरान के बेत सया सादेग को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत के नवदीप सिंह का रजत पदक स्वर्ण में बदल गया, जिसके बाद जेवलिन थ्रो में पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह ने कहा कि भारत के झोली में एक और गोल्ड मेडल डालकर काफी अच्छा लग रहा है। साथ ही पीएम मोदी के साथ हुए बातचीत के बारे में भी नवदीप सिंह ने क्या कुछ बताया, देखें वीडियो। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अंतिम क्षणों में एक भारत को एक और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और काफ़ी खुशी हो रही है कि जब पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स जब बंद हुए, उनका समापन हुआ, तो अंतिम जो राष्ट्रगान था वो भारत का बजा और काफ़ी अच्छा लगा कि हमने हमारी जो मेडल टैली पर पूर्ण विराम लगा वो एक गोल्ड से लगा है। तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है भारत की झोली में एक और गोल्ड डालकर और मेडल टैली को और ऊपर बढ़ाकर। यहाँ पर हम आपके परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो आपने अपना पर्सनल बेस्ट किया, आपको अपने अपने आप से इतना अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी या जिस तरह से आपका हार्डवर्क था उस आपको उम्मीद थी आप उतना का थ्रो लगाएंगे, और फिर उसके बाद जब आप अंदर गए तो ये जानते थे कि आपका सिल्वर आया लेकिन बाद में गोल्ड में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? मैं ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी करके गया था और मैंने बाकी खिलाड़ियों से भी बातें करके एनालाइज कर लिया था, ट्रैक के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर ली थी और कोच से डिस्कस करके हमने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी कि हमने कैसे थ्रो करना है, कैसे मैंने टेक्निक को हिस्सों में बांट कर और कोच के साथ डिस्कस करके सारी चीज़ों का जब फाइनल किया और वो सारी चीज़ें काम आई। और कोच ने मेरे को टारगेट दिया था कि हम 46 हिट करेंगे, पर उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि अगर तू 47 हिट करेगा तो इसका मतलब मैं मान जाऊंगा कि तू बहुत तगड़ा है, और इसका मतलब कोच के दिमाग में और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं आगे के लिए, ये चीज़ उनकी दर्शाती है। परंतु अगर अगर कोच 46 का सोच के आए थे और मैं 47 हिट कर रहा हूँ, तो अगर कोच 48 का सोच के आएंगे तो मैं कितना हिट करूँगा, तो वो चीज़ सोच के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब मैं अंदर सिल्वर के लिए अंदर चयन हुआ था, मैं अंदर पोडियम के लिए वेट कर रहा था, तो जब पता लगा कि नहीं, ईरानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, एज ए खिलाड़ी के नाते मैंने उसको थोड़ा सा संभाला, उसको सद्भावना दी और उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस कराया। पर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आया उस चीज़ की बहुत खुशी है, और एज ए पर स्पोर्ट्समैनशिप मैंने उसका साथ दिया और उसके लिए जो भी इसको इंग्लिश कन्वर्सेशंस में कमी महसूस हो रही थी वो बीच में एज ए ट्रांसलेटर थोड़ा सा काम भी किया, और पर भारत की झोली में एक और गोल्ड आया, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, और इस गोल्ड मेडल को आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? क्या आप घर वालों से आप बहुत और आज आपका पीएम से भी बात हुआ तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? आज आप मोदी जी से बात की है। जी, ये गोल्ड मेडल देखो, इसमें काफ़ी चीज़ों काफ़ी सपोर्ट मेरे को फेडरेशन की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार और OGQ और काफ़ी अन्य, मेरे परिवार, बहुत सी चीज़ों से मेरे को इस मुकाम तक आज मैं पहुंच पाया हूं, क्योंकि काफी सपोर्ट के बाद मैं इधर पहुंचा हूँ। मोदी जी से बात हुई, उसके बारे में क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री ने आज आपसे बात की है, सुनने को आया, और क्या कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या बातें हुई? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे ऐसे बात करते हैं, और काफ़ी और मन में उत्साह आता है कि हम दोबारा ऐसा क्या करें कि दोबारा हमारी उनसे मुलाकात हो, भेंट हो, या फिर हमारी उनसे बात हो। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करते हैं तो काफ़ी हमें प्राउड फील होता है। बिल्कुल, और एक आखिरी सवाल मुझे ये पूछना चाहूंगा, सुना आप नीरज चोपड़ा से इंस्पायर होकर आपने जैवलिन उठाया था, तो
आज उनके पास ओलंपिक गोल्ड है और आपके साथ पैरालंपिक गोल्ड है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि नीरज भाई आपसे इंस्पायर हुआ था, तो गोल्ड आपके पास भी, गोल्ड मेरे पास। उनसे इंस्पायर हुआ था पर उन जैसा तो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो काफ़ी हमेशा आदरणीय और सीनियर रहेंगे, तो मैं उनको अपने आप से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैंने उनको देख के शुरू किया था तो तब वो कहाँ थे और तब मैं कहाँ था, वो मेरे लिए हमेशा ऊपर ही रहेंगे, मैं उनको कभी अपने आप से कंपेयर नहीं कर पाऊँगा।